हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लेटेस्ट वीडियो जाने सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब जो PSL के मैचेस मज़ीद खेले जाने हैं वो कौन कौन सी तारीख को और कितने मैच खेले जाने हैं। तो नाज़रीन, कल जो कि बरोज़ जुमा 1 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान पहला मैच खेला जाएगा, जो शाम 4:30 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेला जाएगा, जो रात 9 बजे शुरू होगा। उसके बाद 2 दिन का रेस्ट है 2 और 3 को। फिर 4 मार्च को क्वेटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी की टीम ने आमने सामने होंगी 4:30 बजे, और उसी दिन दूसरा मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान, जो कि रात 9 बजे स्टार्ट होगा। 5 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स टीमें आमने सामने होंगी, जो कि शाम 4:30 बजे अबूजहबी में खेला जाएगा। उसी दिन दूसरा मैच क्वेटा ग्लेडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, जो रात 9 बजे स्टार्ट होगा। जुमेरात 7 मार्च कराची किंग और पेशावर ज़ल्मी की टीमें कराची में आमने सामने होंगी, लेकिन इसका जो अभी टाइम है वो कन्फर्म नहीं है। 9 मार्च को लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें लाहौर में मैच खेलेंगी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में शेड्यूल के मुताबिक ही मैचेस खेले जाएंगे, तो नाज़रीन 9 मार्च को लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। 10 मार्च को क्वेटा ग्लेडिएटर्स और कराची किंग्स की टीमें कराची में आमने सामने होंगी। तो नाज़रीन 10 मार्च को दूसरा मैच भी खेला जाएगा, जो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। तो नाज़रीन 12 मार्च को जो है वो प्ले ऑफ मल्ले का मैच खेला जाएगा। इसकी टीम के बारे में भी कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये टीमें खेलेंगी और इनमें से जो टीमें निकलेंगी वो फिर प्ले ऑफ मल्ले में आएंगी। तो नाज़रीन 13 मार्च को कराची में मैच खेला जाएगा, फिर 15 मार्च को कराची में खेला जाएगा, और फाइनल जो है 17 मार्च को कराची में होगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए स्मार्ट स्पोर्ट वीकेंड।